हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू जॉब अलर्ट। अज मैं हाजिर होया आर्मी भर्ती पटियाला दे डिटेल विच नोटिफिकेशन लैके, जिस दे विच तुहानू पूरी जानकारी दसी जाऊ कदों तो अपलाई करना है, किमें अपलाई करना है, लास्ट डेट की है अपलाई करने की, सैलरी किन्नी मिलनी है, फिजिकल च की होना है, ठीक है, कदों तो कदों तक तुहाडा फिजिकल टैसट होना है। तो स्टार्ट करते हैं जी। सब तो पहला कह रहे हैं भी कदों तो तुसी अपलाई कर सकते हो, तो 5 जुलाई 2022 तो तुसी ऑनलाइन अपलाई कर सकते हो आर्मी भर्ती दे लई, जिस दे विच पटियाला दी ये भर्ती है, ठीक है। लास्ट डेट है जी अपलाई करने की 3 अगस्त, ठीक है, 5 जुलाई तो लैके 3 अगस्त दे विच तुसी अपलाई कर सकते हो आर्मी भर्ती पटियाला दे लई। हुण इहदे विच किहड़े किहड़े फौजियां नूं रख्या जाना है, तो सब तो पहला होगा जी जनरल ड्यूटी, उस तो बाद अग्निवीर टैक्नीकल, तो अग्निवीर कलर्क स्टोरकीपर, ठीक है, अग्निवीर ट्रेडमैन, तो अग्निवीर ट्रेड्समैन, ठीक है। जिहड़ा ट्रेड्समैन आ 8वीं पास चाहिए जी, ट्रेडमैन 10वीं पास, जनरल ड्यूटी 10वीं पास, बाकी दे लई जो टैक्नीशियन ने टैक्नीकल पोस्टां ने, तो इस तो इलावा कलर्क दियां ने स्टोरकीपर दियां ने, उन्हां लई +2 पास होना लाजमी है। हुण किहड़े किहड़े जिले ये भर्ती नूं देख सकते हैं, सब तो पहला फतेहगढ़ साहिब, बरनाला, मानसा, संगरूर, मलेरकोटला, पटियाला, ये जिले ने जिहड़े ये भर्ती नूं देख सकते हैं, ठीक है जी। तो इस तो इलावा जिहड़ी तुहाडी भर्ती है वह कदों होना है फिजिकल, वह होना है जी 25 अगस्त तो लैके 31 अगस्त के विच तुहाडा फिजिकल होना है, ठीक है, 25 तो लैके 31 अगस्त के विच तुहाडा फिजिकल होना है। तो तुहानू 4 सालां लई रखिया जाणा है, तो 4 सालां की जे आपां गल करिए तुहानू 1 साल के 30 छुट्टियां मिलनगियां, ठीक है, 1 साल के 30 छुट्टियां लै सकते हो। उस तो इलावा जे तुसीं मैडिकल ते अलग तो छुट्टी लैनी है तो तुसीं लै सकते हो सिक लीव, बेस्ड ऑन तुहाडी मैडिकल एडवाइस ते आधारित। हुण सैलरी की गल करिए, पहले साल तुहानू 30,000 मिलनी है, दूसरे साल 33,000, तीसरे साल तुहानू मिलनी है जी 36,500, तो चौथे साल मिलनी है तुहानू 40,000 सैलरी, ठीक है जी। उस तो बाद 48 लाख का तुहाडा एक लाइफ इंश्योरेंस कवर तैयार किया जाना है, ठीक है, तो 10 लाख तो प्लस तुहानू रिटायरमेंट ते तुहाडी ते दित्ते जाणगे। हुण आउंदा जी फिजिकल बारे, तो सब तो पहला जनरल ड्यूटी आर्मी जी डी बारे आप गल करिए, डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए 1 अक्तूबर 1999 तो लैके 1 अप्रैल 2005 के, जे तुसी अप्लाई करना चाहते हो जी डी दे लई, ठीक है। 170 सेंटीमीटर तुहाडी हाइट चाहिए है, तो भार घट्टो घट 52 किलो चाहिए जी, ठीक है जी। तो चैसट की गल करिए, 77 तुहाडी चैसट चाहिए है, तो 5 सेंटीमीटर तुहाडी चैसट फुलनी चाहिए है। क्वालिफिकेशन की चाहिए, 10वीं पास चाहिए, घट्टो घट 45% नंबर, तो सारे सब्जेक्टा चो घट्टो घट 33 नंबर होने लाजमी ने। एज 17 तो 23 साल के, 17.5 से 23 साल के। उस तो बाद आ गई जी आर्मी टैक्नीकल की भर्ती, ये भी एज लिमिट है जी 17.5 से 23 साल के, यानी कि 1 अक्तूबर 1999 तो लैके 1 अप्रैल 2005 के जन्म होना चाहिए। हाइट 170 सेंटीमीटर, वेट घट्टो घट 52 किलो, तो छाती है जी चैसट है वह 77 सेंटीमीटर होनी चाहिए, फैला के 5 सेंटीमीटर। इस दे लई +2 पास होना लाजमी है फिजिक्स कमिस्ट्री मैथ के नाल, ठीक है, 50% नंबर चाहिए ने, 40 घट्टो घट हरेक सबजैक्ट के। नैक्सट पोस्ट है अपनी कलर्क की, कलर्क लई भी सेम रखी गई है इन्हों ने, ठीक है। सारिया पोस्टा वास्ते जी आप एज की गल करिए, 17.5 से 23 साल रखी गई है, तो वेट कलर्क 47.2 kg, 48 kg तक तुम कह सकते हो वेट होना चाहिए। तो हाइट की गल करिए, 162 सेंटीमीटर चाहिए कलर्क के लिए, तो चैसट है तुहाडी 77 होनी चाहिए, फैला के 5 सेंटीमीटर फुलनी चाहिए, 81 बननी चाहिए। तो हुण कोर्स की चाहिए, तुहाडे कोल +2 पास होना लाजमी है, जां तां आर्ट्स कमर्स साइंस के नाल, ठीक है जी। आर्ट्स है तो मैथ होना लाजमी है जी, ठीक है, मैथ अकाउंटेंसी चो कोई भी एक सबजैक्ट पढ़िया होना लाजमी है। 17 से 23 साल के एज चाहिए है। तो ट्रेडमैन की नैक्सट भर्ती आँदी है, ये भी 17.5 से 23 साल के एज चाहिए है, 170 सेंटीमीटर कद चाहिए, तो 52 किलो भार चाहिए, चैसट 77 चाहिए है, तो फैला के 81, ठीक है जी। तो 10वीं पास होना लाजमी है सिंपल, कोई जरूरी नहीं है किन्ने परसेंट चाहिए ने, बस सारे चो तुसी पास होने चाहिए हो 33% नंबर के नाल, 17 से 23 साल के एज चाहिए है। उस तो बाद आ गया अग्निवीर ट्रेडमैन 8वीं पास जो पोस्टा ने, 170 सेंटीमीटर कद चाहिए, 17.5 से 23 साल के एज चाहिए है, चैसट 77 तो फैला के 5 सेंटीमीटर फुलनी चाहिए है। तो क्वालिफिकेशन 8वीं पास होना लाजमी है, परसेंटेज 33% होने लाजमी ने, ठीक है जी। तो यह आ गया सारा क्राइटेरिया।
ਤੇ ਬਾਕੀ ਆ ਹਾਈਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਣਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਤੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਜਿਵੇਂ ਹਾਈਟ ਵੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊ ਜਿਵੇਂ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਨੇ ਹਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਵੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਕਿਲੋ ਚੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਛੂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਦੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਗਰੁੱਪ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 5:30 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੇਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਈ 5:30 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਜੀ 60 ਨੰਬਰ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਲ ਅੱਪ ਦੇ 10 ਲਾਓਗੇ ਤਾਂ 40 ਨੰਬਰ ਮਿਲਣਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਰੁੱਪ ਦੂਜਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ 5:45 ਤੱਕ ਰੇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 48 ਨੰਬਰ ਮਿਲਣਗੇ ਜੀ ਅਤੇ 10 ਪੁੱਲ ਅੱਪ ਦੇ 40 ਨੰਬਰ ਮਿਲਣਗੇ 9 ਦੇ 33 8 ਦੇ 27 7 ਦੇ 21 ਅਤੇ 6 ਦੇ 16 ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਪ ਹੈ ਜਿੱਗ ਜੈਗ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਨੇਚਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਡੀਕਲ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਟਨ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਜੋ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਉਸਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਸਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ 20 ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਫੋਟੋ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣਗੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਜਦੋਂ ਭਰਤੀ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋ ਗਏ ਡੋਮੀਸਾਈਲ ਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੈਜੀਡੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਸਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰਿਲੀਜਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਾਂਡੀ ਏਰੀਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੇ ਸਕੂਲ ਕਰੈਕਟਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਰੈਕਟਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਨਮੈਰਿਡ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਠੀਕ ਹੈ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ NCC ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ FEDEFT ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਡੈਟਸ ਆਲ ਗਾਈਸ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਮਾਈ ਚੈਨਲ ਧੰਨਵਾਦ